मैं मीनल हातेकर। एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। चायवाले की आड़ में कांग्रेस पर जमकर गरजे मोदी। कांग्रेस आई तो 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, वरना सीएम साफ। चार पीढ़ी की सरकार ने जो चुराया उसे मैंने नोटबंदी कर बाहर निकाला, मोदी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर कांग्रेस पर बरसे। पीएम ने इशारों में टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। राहुल गांधी आज से अपने चुनाव प्रचार को लेकर आज बुंदेलखंड से शुरुआत कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर राहुल ने सागर में सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने सीएम और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। मंच पर राहुल के साथ कमलनाथ के अलावा और भी कांग्रेस प्रत्याशी रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदों को मजबूत करने पीएम मोदी शहडोल पहुंचे हैं। यहां पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान बीजेपी के 15 साल बनाम कांग्रेस के 55 साल के आधार पर सरकारों का मूल्यांकन करने की बात कही। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए प्ले स्टोर से आज ही एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।